दोस्तों पेट गुरु बहुत दिनों के बाद हाई फ्लाइंग पिजियन लॉफ्ट पे हाजिर है। और बता दूं दोस्तों, अब हाई फ्लाइंग पिजियन लॉफ्ट पे हम जाया करेंगे और वहां पे वीडियो भी बनाएंगे। और इस बार आपको आगाज करने के लिए इससे बड़ी चीज नहीं मिल सकती थी, 4 फुट लंबी ट्रॉफी, और उसके साथ उसका विजेता भी हमारे साथ है और वो कबूतर भी आपको दिखाएंगे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम चलेंगे हमारे सुमित भाई के पास, सुमित चौहान। ठीक है सुमित भाई, कैसे जीती आपने ये ट्रॉफी? ये मैंने कबूतर उड़ाए थे, हाँ, सुबह 8 बजे। अच्छा, और शाम को 6:22 पे आए। टूर्नामेंट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 55। और कितने का लॉट उड़ाने का था, आपने कितने उड़ाए थे? मैंने 7 कबूतर उड़ाए थे। 7 में से आपकी आखिरी कबूतर आया 6:22 पे। 6:22 पे मतलब आखिरी कबूतर वाले पे रखा हुआ था, ऐसा था? हाँ। एक कबूतर के ऊपर टोटल घंटे के ऊपर था? नहीं, एक कबूतर ही ऊपर, एक कबूतर के ऊपर, सबके राउंड अप नहीं थे, सबके गिने हुए नहीं थे। तो दोस्तों एक कबूतर जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा वो विजेता हुए थे। तो इनका एक कबूतर है, वो देखेंगे हम आगे। और अभी कौन से कबूतर अपने पास हैं? लाल दुम है, सिसम वाले कलचोचे है, साजापुरी है। ठीक है दोस्तों, मैंने मेरठ में कवर किया था अयूब खान जी, जो 56 सालों से कबूतर पालते, काफ़ी जहीफ इंसान थे, उस्ताद कहते हैं उनको वहाँ पे। उनके पास संभल वाली ब्रीड जिसने 10.5 बाद हमने गोयल बापू, हमारे पंख पे जो लगा हुआ सिक्का है वो भी हम अंदर घसीटेंगे वीडियो में। ठीक है, उनके काफ़ी पिजियंस यहाँ पर हैं। और कुछ जैसे साजानपुरी काटवे हैं, आप कह लीजिए, फिर ये संभल वाली ब्रीड है, वो जो गुजरात में तो देखने को ही नहीं मिलती, वो ब्रीड आपको मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो हाई फ्लाइंग पिजियन लवर हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी कभी हम पिजियंस के वीडियो भी दोस्तों बनाएंगे। तो पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमें वो कबूतर दिखाएं कि जिससे आपने ये टूर्नामेंट जीता, और आपसे थोड़े टिप्स भी लेंगे हम सुमित भाई। हाँ, दिखाओ। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों देखिए, सुमित भाई की ट्रॉफी को पहले नज़दीक से नज़र लगा लेते हैं। प्रथम सुमित भाई चौहान, सुबह 8 बजे कबूतर उड़ा था, शाम को 6:22 पर कबूतर वापस आया था। एक्चुअल में फीमेल कबूतरी है, और उधर इसका फ़ोटो भी दिया हुआ है, और सुमित भाई का फ़ोटो भी है। भावनगर पिजियन क्लब ने ये टूर्नामेंट रखा था, 4 फुट लंबी ट्रॉफी दी है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि अज्जू भाई जब वीडियो बनाते हो तो आप लॉफ्ट बताया करिए। देखिए इनकी एक छत है, छत पे हमारे सारे भावनगर पेट क्लब के दोस्त हैं। और मैंने जो एक चीज़ देखी दोस्तों कि गुजरात में नहीं देखने को मिलती, वो चीज़ है यहाँ पर ओपन लॉफ्ट। ओपन लॉफ्ट मुझे जो है यूपी के पिजियन लॉफ्ट में देखने को मिला। ये धूप के लिए बनाया जाता है, ताकि ठंड में कबूतरों को धूप अगर खिलानी है तो यहाँ पर छोड़ा जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर गुजरात में भी अब देखने को मिल रही है, और यहाँ पर भी कुछ कबूतर रखे हैं। ठीक है, और अंदर भी एक दड़बा बनाया हुआ है, पूरा एक रूम बनाया हुआ है, वहाँ पर पिजियंस हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और अंदर चल के 1 by 1 पिजियंस देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ बाहर कुछ कबूतर आए हुए हैं, तो आपको नंबर पहले मैं बता देता हूँ, ताकि अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सहारनपुरी वगैरह कबूतर भी आते रहते हैं, और नील दूमे लल दूमे कबूतर की काफ़ी रिक्वायरमेंट लोगों की रहती है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। देखेंगे कबूतरों को नज़दीक से, उनका शौक भी करवाऊंगा। तो नंबर दे दीजिए। नंबर है 7046279987। तो दोस्तों ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नज़दीक से कुछ कबूतर देखते हैं। अब इसमें दोस्तों देखिए सहारनपुरी कबूतर हैं, कलदूमे हैं, ये लाल दूम की मादी है अलाहाबादी, और राजस्थानी हैं, फीके हैं, तो बहुत खूबसूरत हरे कबूतर दोस्तों बहुत अच्छे हैं। और अभी हमारी छत मैं कैमरे में दिखा नहीं पाऊंगा, जैसे कि हमारा जो है वो मोबाइल से कैमरा है, तो अभी आसमान में भी 2 कबूतर बिल्कुल बारीक बन के उड़ रहे हैं दोस्तों। और कितने घंटे से उड़ रहे हैं? 2 कबूतर उड़ रहे हैं अब दोस्तों। सुमित भाई दूसरे उड़ रहे हैं, सुबह 8 बजे से उड़ रहे हैं, 2 कबूतर चालू है अभी। अभी दोस्तों सुबह 8 बजे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और लगभग अभी 4 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं। यहाँ पर सुमित भाई कौन से कबूतर हैं? सारंगपुरी है, लालदूम है, मुरादाबादी कलदूमे भी है। अपने नंबर बोल दो एक बार गुजराती में। 70 46 97 99 87। और अपने ये कबूतर जो है उसका प्राइस यहाँ पर अपने पास क्या, कितने से रहता है? सबसे सस्ता कबूतर कितने से? सबसे सस्ता कबूतर 500 रुपये का। 500 रुपये से? हाँ। ठीक है, तो वो देखेंगे दोस्तों 500 रुपये का कैसा कबूतर है। 500 रुपये वाला कबूतर भी देखेंगे, और थोड़ा महंगे वाला भी देखेंगे हम। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। कबूतरों का तो खजाना है, सभी का तो शौक नहीं करवा पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ कबूतरों का शौक करवाऊंगा। जैसे अंबरसर है, यहाँ पर कबूतर हैं, राजस्थानी बजरे हैं, गहरे कलसीरे हैं,
मुरादाबादी, सब मुरादाबादी कबूतर है। और दोस्तों गुजरात में मुरादाबादी कबूतर मिलना बहुत ही मुश्किल कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ दोबाज हैं, फिर से यहाँ से यहाँ भी मुरादाबादी कबूतर है कुछ, तो बहुत अच्छी नस्लें गुजरात में भी अब दोस्तों अवेलेबल हैं, तो आप कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है, अब इनके पर्सनल कबूतर भी देखेंगे यहाँ पर, ये भी देने के, हाँ ये भी दोस्तों अवेलेबल है आपके लिए। सहारनपुरी कबूतर भी है दोस्तों, ये मुझे ये जो लल आगे जो फीमेल है वो बहुत खूबसूरत लग रही है, देखिए। अब दोस्तों चलिए वो कबूतर को देखते हैं कि जिस कबूतर ने आपको टूर्नामेंट इनको जिताया है। ठीक है, यहाँ पीछे भी थोड़े से कबूतर छुपे हुए हैं। चले दोस्तों अंदर दड़बे में चलते हैं और टूर्नामेंट वाला कबूतर भी देखते हैं। दोस्तों भावनगर पेट क्लब में मैंने आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवाया था कुलदीप जी को, कुलदीप जी के भी यहाँ पर दोस्तों कबूतर हैं, उन्होंने भी कुछ कबूतर रखे हैं। तो कुलदीप जी जो है वो बिल्कुल ट्रू बर्ड लवर हैं। तो कुलदीप भाई अभी अपने पास यहाँ पर कौन सी अच्छी अच्छी नस्ल है, जैसे आप मैंने आगे बताया यहाँ पर अभी संभल वाले है, शहजानपुरी है, पच्ची राजस्थानी बाजरे है, ठूठ वाले है, पच्ची पट्टी वाले बाजरे है, रामपुरी कबूतर है, इसमें सभी तरह के कबूतर अच्छी नस्ल के हैं और उड़ने में काफ़ी माहिर है, इसीलिए यहाँ पे सब अंदर रखे हैं, इसकी ब्रीडिंग कर गए, इसके बच्चे सब हम लोग उड़ाते हैं। अच्छा, तो अभी मुझे संभल वाला कबूतर दिखाइए, क्योंकि मैंने मेरठ में कवर किया था और उसके बाद बहुत रिक्वायरमेंट थी लोगों की, तो ये अपने अवेलेबल करवा सकते हैं? नहीं नहीं, ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो मुश्किल है ना, ये तो नहीं मिलेगा, ये दोस्तों अवेलेबल भी नहीं है और मिलना भी मुश्किल है ना। ये संभल वाला मेल है, ब्रीडर मेल है, बड़ा कम से कम 2-2.5 साल का होगा ये मेल। दोस्तों इसकी आंख का भी शोक करवाता हूँ, कल चूचा है बिल्कुल, इसकी आंख देख के प्योरिटी में, इसकी रिंग, इसकी आंखों के जर्रात सब बहुत बढ़िया, काली चांच, काले नाखून होते हैं सब, और फुल साइज में बड़े रहते हैं, फुल साइज में इसका वजूद बहुत बड़ा रहता है। शायद ही किसी कबूतर में वो राजस्थानी बाजरे आते हैं ना, उसके सिवा इस इतना बड़ा वजूद देखने को नहीं मिलेगा, और इस कबूतर की सब खड़ान उड़ान बहुत ही बेहतर होती है, इसलिए सब लोगों को इसका शौक ज़्यादा रहता है। पर यह क्या है कि अभी अवेलेबल नहीं मिलते, प्योर रेट में मिल जाते हैं छोटी साइज में, पर प्योर नहीं मिलते, प्योर क्वालिटी में नहीं मिलते। दोस्तों अयूब खान जी का हमने वीडियो कवर किया था, बहुत जल्द चैनल पे वापस मिलेगा आपको, वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, और उनको भी सेल नहीं करने थे, उनके पास लगभग 8 से 10 जोड़े थी। अब चलिए दोस्तों काठुए कबूतर देखते हैं हम, काठुआ, शाहजहानपुरी काठुआ। दोस्तों हिंदुस्तान में जितनी भी ब्रीड जो है वो फेमस है, चाहे रामपुरी हो, चाहे सहारनपुरी हो, चाहे संभल वाली हो, ज़्यादातर MP और UP की ब्रीड फेमस है, और राजस्थान के बजरे फेमस हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसके बाद ये एक और है, ये एक और दूसरा काली आंख में संभल वाला है। अच्छा, हाँ काली आंख में है, ये घर की ब्रीड है, ये मेरा यहाँ ही ये बच्चा हुआ था। माँ बाप दोनों संभल वाले थे? हाँ हाँ, दोनों संभल वाले थे, वो मैं आपको मादी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये घर की ब्रीड है, देखिए कितना अच्छा वजूद है इसका। ठीक है, तो ऐसी ब्रीड कहाँ देखने मिलती है दोस्तों, संभल वाले कबूतर वो भी हम देख रहे हैं गुजरात में, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बिकॉज आपको कितना भी महंगा फैंसी पिजियन चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन ऐसी हाई फ्लाइंग पिजियंस की ब्रीड नहीं मिलेगी। जी जी, ये फीमेल जो है वो मेरे पास कम से कम 4-4.5 साल से होगी, और सभी कबूतर इसके ही बच्चे हैं मेरे पास। नर उसमें क्या होता है, नर में चेंज करता रहता हूँ ब्लड लाइन के लिए, पर फीमेल तो यही रहेगी, सभी लाइन के अभी कम से कम 10 से 12 नंग कबूतर संभल वाले इसके ही बच्चे हैं। अभी 10 से 12 है आपके पास, बहुत अच्छी बात है। पहले ज़्यादा था, पर बीच में मेरे को कबूतर रखना नहीं था ना, इसलिए मैंने सब निकाल दिए थे, फ्रेंड लोग को दे दिए। बाद में ये सुमित भाई ने बोला कि मेरे यहाँ रख दो, तो मैंने यहाँ 3 जोड़े रख दिए, उसकी यहाँ पर ब्रीडिंग चालू है। तो दोस्तों जो ऐसी ब्रीड जो मतलब मिलना मुश्किल है, वो देने का किसी को मन नहीं करता, तो वो इन्होंने यहाँ रख दी। तो सोचिए यहाँ पर ब्रीड भी अच्छी की है, तो सुमित भाई भी काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, और इसका ही इनाम है, देखिएगा वो पहला नंबर लेकर आए हैं। जी ये कौन सा है? ये शहजानपुरी है, शहजानपुरी काठवे, हाँ शहजानपुरी काठवे, छोटी चाँच के,
और बड़ी खोपड़ी का कबूतर है ये। इसका भी उड़ान बहुत अच्छा रहता है, पर चील में ज्यादा झपट में आ जाता है, कट जाते हैं, कट जाते हैं, इसीलिए ये सब लोग उड़ाते कम है, कम है। दोस्तों ऐसी ब्रीड को लेकर आप उनकी कम से कम 6 से 7 नस्ल खींच लीजिए, ताकि आपके पास 10 से 15 कबूतर हो, फिर आप रिस्क लीजिए कि उनको आप उड़ाएं। वरना दोस्तों क्या हो जाता है कि ऐसे कबूतर कट जाएंगे तो ये मिलना मुश्किल है, क्योंकि इनकी उड़ान जो है वो कंट्रोल में नहीं होती, बहुत अच्छे उड़ते हैं ये। और क्या दिखाना चाहोगे गोयल साहब? पट्टी वाला बाजरा है, अभी ये नया ही है, बहुत अच्छी नस्ल का था, इसलिए बाहर से मंगवाया है सुमित भाई ने। इसकी ब्रीड अप करवाने का इरादा है अगले साल के लिए, इसके पट्टे उड़ाने के है, इसलिए ये लिया है। पुरानी असर में लग रहा है ना? हाँ हाँ, पुरानी असर में, पर ये ब्रीड बहुत अच्छा कर लेता है। दोस्तों लॉफ्ट बिल्कुल ही साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों पेटी भी लगाई हुई है, पेटी रखिए अपने दड़बे में, ये अच्छा रहता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा रूम के अंदर कबूतर छोड़ के रखते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे भी जाया हो जाते हैं और अंडे भी जो है वो फूट सकते हैं। दोस्तों उस कबूतरी को मैं ज़रूर दिखाऊंगा जिससे टूर्नामेंट जीता था, फिर हम आपको ये देखिए इसके बच्चे देख लिए, ये बजरे कबूतर देखिए, ये एक और अंडे पे बैठी है। दोस्तों कबूतर की उड़ान जो है वो यंग अडल्ट साइज में ज़्यादा होती है, तो टूर्नामेंट में कैसे कबूतर उड़ाने चाहिए वो भी हम कुलदीप भाई से बात करेंगे और उनके दोस्त से बात करेंगे सुमित भाई से। ये सारे कबूतर मैं 1 by 1 दिखा रहा हूँ। तो हम आज उस लॉफ्ट पे हैं जिन्होंने भावनगर में पहला नंबर लगाया है। ये एक और नर है लाल दूम का, इसका भी बच्चा बहुत ज़्यादा उड़ा हुआ है हमारे पास, इसको नहीं उड़ाया कभी, पर इसका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा उड़ता है, इसीलिए इसको भी यहाँ अंदर संभाल के रख दिया है। तो लाल दूम के मिल जाएंगे? लाल दूम के मुझे बहुत कॉन्टेक्ट, लाल दूम मिल जाएंगे, लाल दूम है अवेलेबल। ठीक है, तो दोस्तों लाल दूम जो मेरे पास बार बार मांगते रहते, खास करके मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग, बट थोड़ा दोस्तों मैं बिजी रहता हूँ तो मैं 1-to-1 डील नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग ऐसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, एक दूसरे से दोस्त बन जाइए और आप ही डील को क्लोज करिए। ठीक है, ये कौन सा है? ये एक राजस्थानी बाजरा कबूतर है, बाजरा, ठीक है, ये बहुत बहुत पुराना कबूतर है, इसको कम से कम 2 साल से तो संभाल के रखा था पहले हमारे पास आया, उसके बाद इसके साइज की वो उसके ब्रीडिंग के लिए अच्छी मादी नहीं मिलती, अभी मिल गई है, इसलिए इसका ब्रीडिंग अब इस सीजन में स्टार्ट किया है हमने। अच्छा, ये बहुत उड़ने वाला कबूतर है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। दोस्तों यहाँ पर कुछ जो है पिजियंस सेल के लिए अवेलेबल है, वो पेट गुरु अज्जू भाई पे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो पेट गुरु अज्जू भाई की लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में, ये देखे कल दुमा प्योर क्वालिटी में, ये कौन सा है? कल दुमा है, कल दुमा, कल दुमा, कल दुमा, ये अलाहाबादी है, अलाहाबादी कल दुमा है। दोस्तों कल दुमे में भी दोस्तों मैं बताऊं आपको, बहुत सारे ब्रीड आती है, जैसे जो रीजन का होगा वो कहा जाएगा, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर भी देखिए संबल वाले कल दुमा है, ये मादी है, वो मादी हो गया। तो गोहिल बापू ने तो दोस्तों बहुत खूबसूरत पिजियंस रखे हैं यार, संबल वाले, मैंने संबल वाले कल दुमे है, कल परे कल दुमे जिसको बोलते हैं हम, ये वो कबूतर है, इसकी भी साइज खोपड़ी बहुत बड़ी आती है, इसका इसकी खूबसूरती तभी दिखाई देती है जब ये हमारे सामने खड़ा होता है, हाथ में तो खूबसूरती ये डरा हुआ रहता है। यहाँ पे आप ये देखिए दोस्तों, दोस्तों हमने भावनगर में दूसरे वीडियो भी बनाए हैं, हिम्मत भाई का वीडियो, फैंसी पिजियंस पसंद करते हो रिजवान बेलिम और हिम्मत भाई के वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। तो अब हम ट्राई करेंगे कि पिजियंस के मार्केट को डाउन नहीं होने देना है, उनको फिर से ऊपर लाना है और लोगों का शौक बरकरार रखना है। यहाँ पर कुछ और पिजियंस हैं देखिए। अब दोस्तों टूर्नामेंट वाली चलिए मैं कबूतरी दिखाता हूँ और आज का एपिसोड उसके साथ ख़त्म करेंगे और फिर टूर्नामेंट के लिए टिप्स का दूसरा एपिसोड हम बनाएंगे। चलिए दोस्तों जब तक हम टूर्नामेंट वाली फीमेल आ रही है, हम एक बार फिर से नंबर ले लेते हैं, नंबर बता दीजिए रिजवान भाई, नंबर बताएंगे आपको। 7046279987।
अब दोस्तों यही वो कबूतरी है जिसने टूर्नामेंट में जीता था। सुमित भाई से पूछेंगे, देखिए इसकी उड़ान देखिए, छोड़ते ही बिल्कुल पागल हो रही है यहाँ वहाँ जाने के लिए। सुमित भाई बताइए ये क्या, कैसे जीती, कितने घंटे उड़ी, ये सब बताइए। ए कबूतरी 10 घंटे 22 मिनट उड़ी, सुबह 8 से शाम को 6:22 पे उतरी। आप दोस्तों इसके पंख पे सिक्का लगा हुआ देख सकते हैं, देखने में ये मैं कुछ लोग गजरी कहते हैं, कुछ लोग कलसिरी कहते हैं, ठीक है, तो ये कलसिरी कहूँगा मैं इसको, और पीली आँख में है, नथुने इसके बिल्कुल बंद हैं, खोपड़ी का साइज एरोडाइनेमिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है एक अच्छे कबूतर में देखी जाती है, उसकी उसका पूरा एरोडाइनेमिक शरीर होगा, उतना वो लंबा उड़ सकेगा, उतना वो अच्छा उड़ सकेगा, ठीक है दोस्तों। तो कबूतर सिर्फ दोस्तों नस्ल से नहीं बनता है, लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है वो खास दिखना है। ये बीच में जो बैठी है वो फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। 10.5 घंटे उड़ना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, 10.5 घंटे ये उड़ी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर धूप खिलाई जाती है, जनरली मैंने यूपी में देखा है, बिकॉज गुजरात में इतनी ठंड नहीं होती है। चलिए अब मैं वो जो फीमेल हमें है जिसने 10.5 घंटे उड़ी है उसको हम देख लेते हैं। हेवाई है ना दोस्तों, एक कबूतर बाहर निकल गया है, अब ये देखिए इसकी बहुत खूबसूरत। चलिए दोस्तों इसके इसका मैं शौक आप लोगों को करवा देता हूँ। पंख देखिए, हल्की सी पीन इसके पंख में लगाई हुई है, ये देखिए पूरी दूम है, पूरी 10 कली पे है ना, अभी पूरी 10 कली पे कबूतर है दोस्तों। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा कबूतर उड़ता नहीं है, तो दोस्तों पहले चेक करिए आपका कबूतर 10 कली पर है कि नहीं है। नथुने देखिए इसके बिल्कुल बंद है, पंख एक बार दिखाइए खोल के, पंख देखिए, पंखों में दोस्तों जगह नहीं है, पंख के ऊपर भी एक छोटे पंख की परत होती है, वो भी पूरी होनी चाहिए, तो हवा आर पार नहीं होगी और बर्ड को उड़ने में जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो थकेगा नहीं, और थकेगा नहीं तो वो लंबा उड़ेगा। तो सुमित भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपने टूर्नामेंट जीता यार। थैंक यू भाई, थैंक यू अज्जू भाई। तो दोस्तों चलिए आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं हम ख़त्म करते हैं।